नमस्कार, आपका स्वागत है राजनामा टीवी पे। मैं पूनम आपके साथ। सलमान खान की 12 नवंबर को रिलीज हुई फिल्म टाइगर 3 इस साल की चौथी सबसे बड़ी फिल्म बन चुकी है। फिल्म की कामयाबी पर सलमान खान ने एक कॉन्फ्रेंस रखी थी जिसमें उन्होंने एक बड़ी जानकारी दी है। सलमान ने बताया है कि वो जल्द ही शाहरुख खान के साथ एक फिल्म में नजर आने वाले हैं। फिल्म की तैयारी शुरू हो चुकी है और वो जल्द ही इसकी अनाउंसमेंट करेंगे। अगर ये खबर कंफर्म होती है तो दोनों 1995 के फिल्म करण अर्जुन के 28 साल बाद किसी बड़ी फिल्म में बतौर लीड हीरो हिस्सा बनेंगे। ये खबर उनके फैंस के लिए काफ़ी खास है क्योंकि जब भी शाहरुख और सलमान साथ नजर आए हैं तो बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड टूटे हैं। इसी साल दोनों एक दूसरे की फिल्मों पठान और टाइगर 3 में कैमियो कर चुके हैं जो दोनों ही ब्लॉकबस्टर रहीं। ऐसे में दोनों को एक ही फिल्म में लीडिंग हीरो के रूप में देखना बेहद खास होगा। दोनों अब तक कुल 8 फिल्मों में साथ दिखे हैं जिनमें से करण अर्जुन और हम तुम्हारे हैं सनम के अलावा सभी फिल्मों में दोनों के कैमियो रहे हैं। सलमान और शाहरुख साल 2003 की फिल्म कल हो ना हो में भी साथ नजर आने वाले थे, हालांकि सलमान ने वो फिल्म रिजेक्ट कर दी थी। इसके बाद से ही दोनों अपने झगड़ों के चलते सुर्खियों में रहे थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सलमान खान ने बताया कि वो जल्द ही शाहरुख खान के साथ फिल्म करने वाले हैं। उन्हें शाहरुख के साथ एक फिल्म का ऑफर मिला है, जल्द ही उस पर काम शुरू होगा। सलमान ने कहा कि जैसे ही सब फाइनल होगा वो खुद इसकी अनाउंसमेंट करेंगे। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।